तो दोस्तों आज हम बात करेंगे पीसीबीएल के स्टॉक के बारे में। पीसीबीएल के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे हम। अगर यहाँ पे स्टॉक की बात करें तो हम देखेंगे जो ये स्टॉक है हमको अप्रैल से ही यहाँ पर लगातार क्लियर अप ट्रेंड में देखने को मिल रहा है। हमको स्टॉक में लगातार हाइयर हाई हाइयर लो वाला पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हमको स्टॉक में बीच बीच यहाँ पर गिरावट भी देखने को मिली लेकिन स्टॉक ने कभी भी अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया और हमको यहाँ पे स्टॉक में लगातार तेज़ी ही देखने को मिल रही है। अभी रिसेंटली भी हमको यहाँ पे स्टॉक में गिरावट देखने को मिली थी लेकिन गिरावट के बाद भी यहाँ पे स्टॉक ने अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया और आज अगेन हमको यहाँ पे स्टॉक में 3.69% की यहाँ पर एक बड़ी तेज़ी देखने को मिली है। तो यहाँ से अभी अगर स्टॉक में बात करें अगर यहाँ से स्टॉक में तेज़ी कंटिन्यू रहती है तो यहाँ पर और तेज़ी की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 267 का पहला यहाँ पर रजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक इसको ब्रेक करेगा देन यहाँ से हमको स्टॉक में 281 और अगर स्टॉक ने इसको भी यहाँ ब्रेक किया देन यहाँ से अभी हमको स्टॉक में अगेन 300 इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 325 एंड देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन 350 और 360-370 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं ऐसे नेक्स्ट यहाँ पर रजिस्टेंस। वही यहाँ से अब अगर स्टॉक में गिरावट आती है तो यहाँ से गिरावट की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 252 का पहला यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक इसको ब्रेक करेगा देन यहाँ से हमको स्टॉक में 241 एंड देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन 233 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं एज ए नेक्स्ट यहाँ पर सपोर्ट। तो ये स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। धन्यवाद।